हमारा कि हमने ड्रीम सिटी इंदौर बनाई है, उसमें जैसे हम एंटर करते हैं, ये हमने बस स्टैंड बनाया है। जैसे कोई भी आदमी आएगा, उसको कौन सी जगह जाना है, रेजिडेंशियल एरिया, मॉल जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर जाना है, वो हमने इसके हिसाब से बनाया। उसके पास हमने TI ऑफिस बनाया, TI ऑफिस के पास हमने सिटी हॉस्पिटल बनाया। सिटी हॉस्पिटल ऐसे बनाया ताकि कोई भी गवर्नमेंट मतलब एक्सीडेंट होते हैं तो पेपर वर्क मारते हैं, तो इसके लिए हमने TI ऑफिस पास में बनाया। वहीं हमने रेजिडेंशियल एरिया बनाई है, रेजिडेंशियल एरिया हॉस्पिटल के पास, इसके लिए कोई भी इमरजेंसी हो जाती है व कुछ भी हो जाती है तो हमने हॉस्पिटल इसके लिए पास में रखा है। रेजिडेंशियल एरिया के पास में हमने मल्टीपर्पज़ शॉपिंग मॉल बनाया। आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दुकानों की पड़ती है तो वहाँ सबसे पहले वहाँ जाएगा। उसके पास हमने स्कूल बनाया, स्कूल के पास सामने ही हमने ग्राउंड बनाया। ग्राउंड ऐसा है जो पब्लिक के लिए यूज़ हो जाए और स्कूल के हिसाब से, स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं वो भी वहाँ यूज़ हो जाए। ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में हमने जैसे RTO देखा है, नगर पालिका देखा है, वो सब बहुत दूर दूर रहती है, तो यहाँ हमने पूरी सब कुछ एक बिल्डिंग के अंदर दे दी है ताकि आदमी को ज़्यादा दूर तक जाना नहीं पड़े। ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है। हमने बसेज इस तरीके से डिज़ाइन करी है जो आदमी जिन्हें प्रॉब्लम रहती है यूरिन और इनकी, तो वो हमने बस के अंदर ही फैसिलिटी करी है जो वेस्ट मैनेजमेंट में जाके इको फ्रेंडली गैस प्रोड्यूस करेगी, बायोगैस, जो जैसे गैस के लिए हर जगह, तो यहाँ हमने हर जगह वॉशरूम्स बना रखे हैं हर 30 मीटर के अंदर।